नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुए गैंगरेप मामले पर यूपी की सियासत गर्मा गई है। आए दिनों सपा और भाजपा के नेताओं द्वारा बयान दिए जा रहे हैं। इसी बीच राजधानी लखनऊ के कई चौराहों पर अयोध्या रेप कांड से जुड़े पोस्टर्स दिखने लगे हैं। दरअसल लखनऊ के 1090 चौराहे पर एक होर्डिंग लगाई गई है। ये पोस्टर भाजपा की अवध प्रांत की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्वेता सिंह की तरफ से लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में अयोध्या गैंगरेप के आरोपी मोहित खान का जिक्र है और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के एक बयान का जिक्र किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। भाजपा नेता श्वेता सिंह द्वारा लगाए गए इस होर्डिंग में सपा पर हमला किया गया है। लाल रंग के होर्डिंग में लिखा गया है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कर साबित क्या करना चाहते हैं? मुहिद है, गलती हो जाती है। बता दें कि श्वेता सिंह भाजपा की अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। पहले यह समाजवादी पार्टी में थीं, लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में लखनऊ से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर टिकट मांग रही थीं, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद वो भाजपा में शामिल हो गईं। बता दें कि पोस्टर में लिखा गया मुहिद अयोध्या गैंगरेप मामले के मुख्य आरोपी का नाम है। वही मुलायम सिंह यादव ने एक बार बयान दिया था कि लड़के हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं। इस बयान को पोस्टर पर लिखा गया है। बता दें कि इस बयान के बाद मुलायम सिंह यादव की खूब आलोचना भी हुई थी। बताते चलें कि अयोध्या रेप कांड मामले में पुलिस ने 30 जुलाई को अयोध्या जिले के भदरसा के बेकरी चलाने वाले आरोपी मोहित खान और उसके कर्मचारी राजू खान को गिरफ्तार किया था। इसी मामले पर अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट कराने की मांग की थी, जिसके बाद से भाजपा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। खैर, इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। We'll be right back.